तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लुब्रिकेंट्स का क्या ट्रीटमेंट रहेगा, कैसे आप परचेस करोगे, कैसे आप सेल करोगे और कैसे आप स्टॉक चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको कुछ अदर ट्रांजेक्शन्स बताऊंगा, जैसे आप डिप स्टॉक कैसे अपलोड कर सकते हो, आप क्रेडिट पार्टीज़ का जो मंथली बिल होता है वो कैसे बना सकते हो, तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो उसके लिए आपको ट्रांजेक्शन पर जाना रहेगा साइड बार से। तो आप ट्रांजेक्शन्स पर आओगे तो सबसे पहले आपको क्रेडिट पार्टीज़ के मंथली बिल का बताऊँगा। तो उसके लिए आपको क्लब्ड इनवॉइस में जाना रहेगा। आप क्लब्ड इनवॉइस में जाओगे, एक्शन में जाओगे, क्रिएट पे क्लिक करोगे, तो आपको जिस भी पार्टी का बिल चाहिए वो पार्टी सेलेक्ट करोगे। ये मंथ का बनाना है, 15 दिन का बनाना है, 10 दिन का बनाना है, तो वो आप डेट डालोगे कब से कब तक का आपको बनाना है, और उन दोनों डेट के बीच में उस पार्टी से जितने भी ट्रांजेक्शन हुई होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आप यहाँ पर सिंपल टिक करोगे और इसको सेव करोगे, तो ये आपकी क्लब्ड इनवॉइस सेव हो जाएगी। ये आपकी पार्टी का बिल रहेगा जिसमें यहाँ पे आपके पंप के एड्रेस वगैरह होंगे, और आप इसको ये बिल रहेगा। अगर आपको प्रिंट करना है तो सिंपल ऑप्शन है यहाँ पे प्रिंट का, आप सिंपल यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ से क्रॉस करोगे तो ये आपको यहाँ शो हो जाएगा। अगली बार अगर आपको प्रिंट चाहिए तो आप सिंपल यहीं से प्रिंट कर सकते हो आप। तो ये आपकी क्रेडिट पार्टीज़ का मंथली बिल रहेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको डिप स्टॉक का वर्क कैसे करना है। तो डिप स्टॉक के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक्सेल होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास आपका डिप चार्ट है तो आपको आपका डिप चार्ट को, जो मैं एक्सेल फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ, उस एक्सेल फॉर्मेट में डालना रहेगा। इसके अंदर सबसे पहले आपको डिप स्टॉक की, इसके अंदर आपको सबसे पहले लिखना है डिप रीड। हाँ, आप ये लेटर्स एक बार चेक करना, डी बड़ा ही होना चाहिए और आई पी छोटा होना चाहिए, आर बड़ा होना चाहिए, ई ए डी ये छोटा होना चाहिए, फॉर्मेट एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर ये फॉर्मेट नहीं रहा तो आपका डिप स्टॉक अपलोड नहीं होगा। डिप रीड के बाद आपको लिखना है डिप वॉल्यूम। इसके अंदर डी कैपिटल है और वी भी कैपिटल है। डिप वॉल्यूम के बाद आपका आएगा डिफरेंस क्वांटिटी, तो उसके लिए आपको DIFF लिखना है और क्यू बड़ा लेना है, क्वांटिटी। तो अगर ये फॉर्मेट रहेगा तो आपका जो डिप स्टॉक रहेगा वो सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड हो जाएगा। तो मेरे पास एक डिप स्टॉक है ऑलरेडी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये सेम उसी फॉर्मेट में है कि कितने सेंटीमीटर पे क्या रीडिंग है, क्या वॉल्यूम है और क्या डिफरेंस चल रहा है। और याद रखना, एक एक्सेल में सिर्फ एक ही टैंक का आपके पास डिप चार्ट होना चाहिए। अगर आपके पास दो टैंक है तो दोनों टैंकों की अलग अलग एक्सेल होनी चाहिए। जैसे मेरे पास ये पेट्रोल की है, 16 KL का आपका टैंक है, तो इसके अंदर मेरे पास ये डिप चार्ट है, तो मैं आपको ये अपलोड करके बताता हूँ। तो आपको सॉफ्टवेयर में आना है, आपको मास्टर्स में जाना है। इसके अंदर कैपेसिटी का ऑप्शन है, तो आप कैपेसिटी पे जाओगे, एक्शन पे जाओगे, क्रिएट पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप फाइल चूज़ करोगे। तो मैंने डेस्कटॉप पे ही रखी है 16 KL डिप चार्ट। आप जैसे ही इसको अपलोड करोगे, अगर फॉर्मेट सही होगा तो आपकी फाइल यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आपको कैपेसिटी में लिखना है, 16 KL का था तो 16,000 लीटर, और जो भी आपकी स्केल की लेंथ रहेगी स्केल लेंथ डाल दोगे, जैसे 198 है तो आप 198 डाल के इसको सेव करोगे, तो ये आपका डिप स्टॉक अपलोड हो जाएगा। अब आपको ये डिप स्टॉक टैंक में कैसे डालना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको मास्टर्स पे जाना रहेगा और टैंक पे जाना रहेगा। तो जैसे मैंने पेट्रोल का डिप स्टॉक अपलोड किया है, तो आप MS के टैंक पे जाओगे, तो उसके लिए आपको एडिट करना रहेगा। एडिट का ऑप्शन यहाँ भी दे रखा है, या फिर आप इस पूरी ग्रिड में कहीं भी डबल क्लिक करोगे तो भी एडिट का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कैपेसिटी का ऑप्शन है, तो आप इसमें सेलेक्ट करोगे, और जैसे 16 KL का मैंने अभी अपलोड किया है, तो आप सेलेक्ट करोगे 16 KL और इसको सेव करोगे, तो आपका डिप स्टॉक अपलोड हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि डिप स्टॉक कैसे अपलोड करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिप स्टॉक की एंट्री कैसे होगी। तो डिप स्टॉक की एंट्री करने के लिए भी आपको ट्रांजेक्शन में जाना रहेगा, और यहाँ पर डिप स्टॉक का ऑप्शन है, तो आप डिप स्टॉक में जाओगे और एक्शन में जाओगे, क्रिएट पे क्लिक करोगे, और जो भी स्टाफ डिप ले रहा है वो आप स्टाफ सेलेक्ट कर दोगे
और जिस भी टैंक में डिप ले रहे हैं वो आप टैंक सेलेक्ट करोगे। जैसे अपन ने एमएस टैंक का डिप स्टॉक अपलोड किया तो मैं एमएस टैंक दिखाऊंगा, आपको टैंक सेलेक्ट करके एंटर करोगे तो आपको पेट्रोल और कैपेसिटी कितनी है और जो आपके सॉफ्टवेयर में कितना स्टॉक है ये भी आपको शो हो जाएगा। फिर आपको डिप का सेंटीमीटर लिखना है, कितने सेंटीमीटर पे आप डिप ले रहे हो, तो आप इसको इसके अंदर आपको स्टॉक एज पर डिप भी दिख जाएगा और क्या डिफरेंस चल रहा है, मतलब स्टॉक एज पर डिप और स्टॉक इन सिस्टम दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा, जैसे ये जो भी डिफरेंस है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। अब जैसे आप डिप लेते हो तो आप डेंसिटी भी निकालते हो, डेंसिटी ऑप्शनल है, अगर आपको डालनी है तो आप डाल सकते हो, तो जो भी डेंसिटी रहेगी वो आप डाल देना और जो भी टेम्परेचर रहेगा, ये दोनों ही चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आपको डालनी है तो आप डाल सकते हो और इसको आप सेव करोगे तो ये आपकी डिप स्टॉक की एंट्री हो जाएगी। तो ये आपका रहेगा डिप स्टॉक। तो मैंने आपको बता दिया क्लब इनवॉइस, क्रेडिट पार्टीज को मंथली बिल देना है वो क्लब इनवॉइस से बनेगा, डिप स्टॉक कैसे चढ़ाना है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। कैश डिपॉजिट, अब क्या रहेगा कैश डिपॉजिट, जैसे आपके नोजल मैन का हिसाब बनता है तो नोजल मैन आपको पैसे जमा करवाते हैं, उसका कैश डिपॉजिट के अंदर एंट्री होती है। तो आप कैश डिपॉजिट पे जाओगे, एक्शन पे जाओगे, क्रिएट पे क्लिक करोगे, इसके अंदर आप डेट और शिफ्ट वगैरह सेलेक्ट कर लोगे, कौन सा स्टाफ आप कितने पैसे जमा करवा रहे हैं वो आपको डालना रहेगा। जैसे कोई नोजल मैन आपको 10,000 रुपये जमा करवा रहे हैं कि ये मेरे पर पूरे दिन की कलेक्शन है, तो आप 10,000 रुपये डालोगे और सेव करोगे तो ये उसका उस सेल्समैन का कैश डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद जैसे आपको करेंसी डिटेल्स भी डालनी है कि मेरे पास 2,000 के 5 नोट आए हैं, 200 के 10 नोट आए हैं, तो करेंसी डिटेल्स डालनी है तो वो भी ट्रांजेक्शन्स के अंदर ही होगा। तो आपको ट्रांजेक्शन के अंदर जाना है और कैश कलेक्शन के अंदर जाना रहेगा। तो आप कैश कलेक्शन के अंदर जाओगे और एक्शन पे जाके क्रिएट पे क्लिक करोगे, इसके अंदर आपको शिफ्ट डालनी होगी और रुपीज़ आप सेलेक्ट कर लोगे, जैसे कि 2,000 रुपये के नोट हैं तो काउंट आप डालोगे, जैसे 5 नोट है तो अमाउंट आपका आ जाएगा 10,000 रुपये, और 500 के आपके पास 5 नोट है तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। तो ऐसे आपको हर एक एंट्री करनी है, ये भी ऑप्शनल है, ये पूरी एंट्री अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो, और आप सेव करोगे तो ये आपकी कैश कलेक्शन की भी एंट्री हो जाएगी। अब क्या रहता है कि कोई पार्टी आपसे कैश में ही ऑयल लेके जाती है लेकिन फिर भी वो आपसे बिल मांगती है, तो उसका ऑप्शन भी दे रखा है। आप ट्रांजेक्शन्स में जाओगे और कैश सेल में जाओगे, तो यहाँ अगर कोई पार्टी कैश में लेके जा रही है और फिर भी वो आपसे बिल मांग रही है तो आप एक्शन में जाकर क्रिएट पर क्लिक करोगे। अब जैसे पेट्रोल या डीजल लेके जा रही है तो आप क्रिएट करोगे, और लुब्रिकेंट्स कैश में लेके जा रही है और उसका बिल चाहती है तो आप क्रिएट कैश सेल और जीएसटी पे जाओगे। तो पहले मैं आपको पेट्रोल डीजल का बताता हूँ, तो आप एक्शन पे जाओगे और क्रिएट पे क्लिक करोगे, आप सेल्समैन सेलेक्ट करोगे कौन सा सेल्समैन ने फिल किया ऑयल, और कैश में आए तो कैश सेलेक्ट करोगे, पार्टी अगर आपने बना रखी है तो आपकी यहाँ से आ जाएगी, और अगर जैसे टेम्परेरी पार्टी है आपको लेजर क्रिएट नहीं करनी है तो आप यहीं पे नेम लिख सकते हो। जैसे मैं नेम लिखता हूँ, और अब जैसे व्हीकल नंबर अगर आपने बना रखे हैं तो आपको शो जाएंगे, और अगर आपके व्हीकल नंबर भी टेम्परेरी है तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, आप व्हीकल नंबर भी डाल सकते हो। अब वो क्या आइटम लेके जा रहा है वो आप आइटम डालोगे, जैसे पेट्रोल लेके जा रहे हैं 10 लीटर लेके जा रहे हैं तो वो 10 लीटर का अमाउंट आपके पास आ जाएगा, और अगर कोई डिस्काउंट वगैरह देना है तो आप दे सकते हो यहाँ से, और इसको आप सेव करोगे तो उसका कैश का बिल निकल के आ जाएगा। अगर कैश में दे रहे हो और उसका बिल चाहता है तो ये बिल निकल के आ जाएगा, प्रिंट आप करना चाहते हो तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो इसको। तो ये आपकी कैश सेल्स रहेगी। तो इतने ही ट्रांजेक्शन्स है, आज के ट्रांजेक्शन्स इतने ही है, ट्रांजेक्शन्स आर ऑल कंप्लीटेड।